हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो इस टाइम मैं हूँ बदलापुर में और आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं धनगर वाटरफॉल, जो कि बदलापुर से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी हम पहुँचे जस्ट धनगर वाटरफॉल के ऊपर ही। वीडियो की शुरुआत भी हम जो है बदलापुर से करने वाले थे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ आ रही थी कि वीडियो शूट करने टाइम ही नहीं मिला। और अभी देखते हैं, अभी गाड़ी हम लोग ने यहीं पर पार्क किया है और यहाँ से शायद से रास्ता है धनगर वाटरफॉल जाने के लिए। और यहाँ से धनगर वाटरफॉल करीब 10 मिनट का रास्ते पे होगा। हमारे साथ के जो दोस्त लोग थे सब जन भाग गए वाटरफॉल की तरफ। और मेरी वीडियो भी जो है गाइस वो तकरीबन 1 महीने बाद आ रही है। उसका रीज़न भी यही है कि काम में थोड़ा बिजी था, इसलिए वीडियोस बनाने मिल नहीं रहे थे। लेकिन आज मैं आया हूँ धनगर वाटरफॉल, और आपको धनगर वाटरफॉल बदलापुर से कैसे पहुँचना है, उसे क्या रास्ते है, इस वीडियो में आपको मैं पूरे डिटेल के साथ बता दूंगा। तो गाइस चैनल पर अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। गाड़ियाँ गाइस यहाँ पर पार्क करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है, उसके लेफ्ट साइड में ही हमें इसी रास्ते के साथ चलकर आगे आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको वाटरफॉल का जो प्रॉपर आवाज़ आपको सुनाई देगा, और मेरे दोस्त लोग भी आगे भाग चुके हैं, इसलिए जाने की कोशिश कर रहा हूँ फटाफट। अब थोड़ा आगे आओगे गाइस तो आपको जो वाटरफॉल का जो पूरा क्लियर साउंड है आपको सुनाई देगा, बस आपको साउंड के दिशा से आपको सीधा सीधा जाना है। सिर्फ 2 मिनट चलने के बाद आपको वाटरफॉल यहाँ पर दिख जाएगा, ये रहा मेरे पीछे, और ये वाटरफॉल का टॉप पॉइंट है। अभी हमें यहाँ से नीचे की ओर जाना है, ये रहा रास्ता। सांभाळून या, स्लीपर आहे ना, काढून ये। गाइस आप रास्ता देख सकते हो कैसा एकदम नैरो रास्ता है, खास करके छोटे बच्चे लोग जिन्हें ट्रेकिंग की आदत ना हो वो इस रास्ते से यहाँ पर बिल्कुल ना आए। सो गाइज अभी हम लोग वाटरफॉल के जस्ट ऊपर आए, और हुआ यूँ कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ गिर रही थी, इसलिए जो पानी का जो बहाव है वो ज़्यादा हो गया था। जो पानी जो है मतलब इतनी हवा मार रही थी कि अंदर जा नहीं सकते थे, इतना पानी था, इसलिए अभी हम लोग कोई गया ही नहीं अंदर। क्या करेंगे, थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा आगे जाएंगे तो कुंडेश्वर करके एक वाटरफॉल भी, वहाँ पर कुंडेश्वर टेम्पल है, इसके थोड़ा आगे ही है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर भी पानी है, वाटरफॉल है ऐसा सुना है। तो देखते हैं कुंडेश्वर वाटरफॉल कैसा रहता है। अभी हम यहाँ से अभी जाएंगे, हमारे आधे दोस्त लोग थे वो तो नीचे तक आए ही नहीं वाटरफॉल को देख के यहाँ से, क्योंकि रिस्क भी गाइस उतना है। आप कभी अगर यहाँ पर आओगे तो प्रॉपर शूज़ वगैरह जो है डालकर ही आइएगा, और जो फर्स्ट टाइम ट्रेकिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए तो ये जगह बहुत ही डेंजरस है, खास करके बारिश के सीज़न में। और यहाँ पर आने के लिए तो बारिश के सीज़न ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि धूप के सीज़न में तो पानी रहेगा ही नहीं, तो आप ये बात को ध्यान जरूर रखना। जरा फीडबैक लेते हैं इन लोग का। मोबाइल लेके गए, मुझे लगा बैग में रखे। साले बहुत भारी है बैग में बोलता। कैसा लगा वाटरफॉल? वाटरफॉल बहुत ही भयानक था।
बहुत ही भयानक वाटरफॉल था, इतना फोर्स है कि हम वहीं से भाग के रिटर्न आ गए। आप मत जाओ ये वाटरफॉल में, बारिश के टाइम मत आओ। कच्चे रास्ते के ऊपर आने के बाद आपको गूगल मैप पे सीधा रास्ता दिखाई देता दिखाया होगा गूगल मैप में, लेकिन आपको सीधा रास्ता नहीं माना है, बल्कि यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, यह आपको रास्ता मारकर सीधा आगे जाना है जो कि वाटरफॉल की तरफ जाता है, और गाड़ी भी आप वहाँ पर पार्क कर सकते हो, थोड़ा अंदर है, लेकिन आपको ये सीधा रूट नहीं मारना है। कुंडेश्वर टेम्पल रोड से जाते जाते हमें यहाँ पर एक जगह दिखाई दी है जो कि तैरने लायक है। वाटरफॉल के यहाँ पर किसी को तैरने मिला नहीं, तो अभी देखते हैं जगह पे जाएंगे तैरने के लिए। कशे बहुत जागा, एक नंबर भाई, एक नंबर है। अनि या तुम्ही पण पहिले वॉर्निंग दो, वन टू थ्री। वन टू थ्री। तो अभी हम कुंडेश्वर टेम्पल पहुंच गए थे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे रहा शिव मंदिर, और इसके आप थोड़ा आगे हो गए तो रहा देवी का मंदिर है वहाँ पे, और ये साइड में गणपति का मंदिर। लेकिन हुआ यूँ कि गाइस बारिश बहुत ज़्यादा गिरी है, इसलिए पानी जो यहाँ पर ओवरलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसलिए अभी वहाँ तक तो जा नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि पानी देख सकते हो आप। जैसे कि दो समुंदर एक नहीं हो सकते, वैसे ही दो वाटरफॉल एक नहीं हो सकते, ये आज महाराष्ट्र में रहके हमको आज पता चला कुंडेश्वर मंदिर के आगे। सो गाइज अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, और हमने धनगर वाटरफॉल, कुंडेश्वर डैम और कुंडेश्वर टेम्पल जो है वो घूम लिया है। हाँ, और आपको एक बात बतानी थी, यहाँ इन तीनों जगह पर पहुँचा कैसे जाए, तो गाइज मैं आपको बता दूँ, धनगर वाटरफॉल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो बदलापुर का पड़ता है, और वहाँ से इसकी दूरी लगभग
छः किलोमीटर की है। और बदलापुर से अगर आप बाय रिक्शा या टैक्सी वगैरह करके आते हो तो आपको भाड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल देंगे वो लोग, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप हो सके तो अपनी खुद की गाड़ी लेकर आए, जैसे कि बाइक वगैरह लेके आएंगे तो बेस्ट ही होगा। और बदलापुर आने के बाद आपको मतलब एक विलेज से गुजरना पड़ता है, वहाँ पर जो रोड है ना आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप अगर गाँव वालों को पूछते हो धनगर वाटरफॉल कहाँ पर है, कुंडेश्वर कहाँ पर है, तो आपको प्रॉपर तरीके से बता भी देंगे। और वो गांव क्रॉस होने के बाद आप इस पॉइंट पर आप आओगे तो आप देख सकते हो ये रहा एक साइड में कच्चा रोड जा रहा है और ये पक्का रोड जा रहा है। गूगल मैप पे अगर आप डालोगे धनगर वाटरफॉल्स तो कभी कभी ये रूट भी बता रहे, लेकिन आपको ये रूट नहीं मानना है, आपको ये रूट मानना है जो सीधा जाता है धनगर वाटरफॉल की तरफ। और हाँ, अगर ये आप वाटरफॉल जाने वाले रास्ते पर अगर आप गाड़ी लेके जाते हो तो गाइज मैं आपको बता दूँ ये रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है जो वाटरफॉल की तरफ जाता है। तो मैं आपसे प्रेफर यही करूँगा, अगर आप नए ड्राइवर हो और नई नई गाड़ी सीखी हो तो इस रोड पर गाड़ी आप ना लेकर जाए, हो सके तो चलते ही जाए यहाँ से। और बाकी ये जो कुंडेश्वर टेम्पल और कुंडेश्वर डैम वाला जो ये रोड है आप देख सकते हो वो बहुत ही अच्छा रोड है, यहाँ पर आप लेके जा सकते हो। और यही था गाइस इस वीडियो में आज के, और आपके आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस चलो फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। With the